Hey everyone, welcome back to Graphene Studio again. I'm Vaishali Saini with Mukul on day 4 of studio production. So day 3 में हमने देखा था हमारी first wall ready हो गई थी. हम studio का 4-sided basic frame बना रहे थे जो कि हमने रात तक complete कर लिया था. और साथ ही एक wall का half part भी complete कर लिया. इतनी मेहनत कर ली guys, खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी मेहनत कर कैसे ली है. और आज day 4 की starting में हम चढ़ गए हैं आसमान में और विराजमान हो गए हैं अपने सिंहासन पर. बहुत बढ़िया मजा आता तो कुछ नहीं भाई, हेल्पिंग हैंड होता. अपन दोनों चीज करते हैं ना, ऊपर टंगे रहा फिर नीचे और ऊपर चढ़ो. अब फटाफट अपना देता फिर नीचे फाड़ फाड़ के लाइन टाइम तो अपना यही करने में निकल जाता है. नीचे जाओ, बहुत काम आसान हो जाता है. आज लिटरली हमें किसी की हेल्प की बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही थी. बाय द वे, ये बात तो सच्ची है, मुकुल बेचारा मिस्त्री और मजदूर की तरह यहाँ लगे हुए हैं, गधों की तरह. और मैं ज्यादा किसी काम की हूँ नहीं बाय द वे. तो जो भी आप देख रहे हैं वो सब मैक्सिमम मुकुल की मेहनत है. आगे देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि मैं इतनी बेकार बिना किसी काम की हूँ क्यों. बिजली की रफ्तार से कील ठोकता हुआ हमारा मुकुल और मैं उसे बैकेंड पर सपोर्ट प्रोवाइड करती हुई. इससे ज्यादा वैसे भी मैं क्या ही करती हूँ. और जान तो हमारी तब सूख जाती थी गाइस जब भाई साहब कील टेढ़ी हो जाती थी. अब कील टेढ़ी को निकालो, दूसरी कील डालो, फिर वो टेढ़ी हो जाए. ये सिलसिला 4-5 बार चलने के बाद कहीं जा करके हमारा एक बैम्बू फिक्स हो रहा था. पर पूरा धैर्य संयम रख के पूरी निष्ठा से हम वापस अपने काम में जुट जाते थे. मुकुल तो वेल बाबा है मेहनती, बट मैं भी अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत कर सकती हूँ ये मेरे पूरे खानदान में मैंने खुद भी पहली बार देखा. बट जोक्स अपार्ट, इट वॉज सो रियली फकिंग हार्ड टू बिल्ड दिस अप. और यहाँ मिस्त्री साहब इम्पोर्टेंट कॉल पे बात करते हुए और मजदूर अपनी जात से मजबूर बैठ गया. जगह खाली दिखी नहीं, फट से बैठ गए. टाइम पास करना है बस, जितना पैसा उतना काम. मर्जी थे साहब, एक कील ठोक देंगे तो मौत नहीं आ जाएगी हमें. अब बट मुकुल ने साफ कह ही दिया कि दी एक दो कील आप भी ठोक दो. पूरी मेहनत से मैंने स्टार्ट भी किया बट सस्ता मजदूर नकली काम. आखिर मुकुल बेचारे को आना ही पड़ा. जैसे ही वो आया बट फिर अपन बैठ गए फालतू इजी आराम से रिलैक्स करते हुए. बेशर्मी की हद देखिए, जगह भी दे दी अगले को कि ले भाई कंफर्टेबल हो जाओ, कमान संभाल ले, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो. इंस्ट्रक्शन अलग दे रहे भैया, ये कर लो वो कर लो. आखिरकार इसी के साथ हमारी सुबह हुई. सुबह हमारे घर की छत भी डल गई. आज के लिए गाइस बस इतना ही, हम जा रहे हैं सोने. आप भी सो जाइए, मिलते हैं पार्ट 5 में. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.